दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप 4 से 5 हजार रुपया लगाकर घर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमेशा ही ये चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है और आसानी से बेच भी सकते हैं। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसे सेल करना है। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। आप थोड़ा सा अमाउंट लगाकर 2 से 3 गुना 4 गुना तक इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन एक बार आपने ये बिजनेस समझ लिया और आप सेट हो गए तो फिर आपको फ्यूचर में सिर्फ बैठकर इस बिजनेस को मैनेज करना होगा। और इस बिजनेस की खास बात ये है कि आप लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप गांव से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको जॉब की जरूरत है, तो आप लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करेंगे और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। और इस बिजनेस की एक और खास बात ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी कभी भी नहीं होती है। दोस्तों अभी जो ये टाइम चल रहा है ये सबसे बेस्ट टाइम है इस बिजनेस को शुरू करने का। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं और 4-5 महीने इसमें मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को सेट कर पाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएं। दोस्तों ये जो बिजनेस है इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें मोटा मोटी 2 ही रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉलिएस्टर फाइबर कॉटन, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस रॉ मटेरियल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है और पहले कमेंट में भी दिया है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इस रॉ मटेरियल का मार्केट में क्या रेट चल रहा है इसका अंदाजा आप वहां से लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये मेन रॉ मटेरियल है तो इसकी जानकारी आपको पूरी होनी बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस मत करना, लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है उसके लिए आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल है इस तरीके का कपड़ा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस कपड़े का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पहले कमेंट में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप इन रॉ मटेरियल्स को ऑफलाइन कैसे परचेस कर सकते हो और कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बिजनेस कौन सा होने वाला है। तो ये बिजनेस होने वाला है सॉफ्ट टॉयज का, जिसमें टेडी बेयर्स, एनिमल सॉफ्ट टॉयज, अलग अलग टाइप के पिलोस, इमोजीज के सॉफ्ट टॉयज, फूड के सॉफ्ट टॉयज, कार्टून के सॉफ्ट टॉयज और भी बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस बिजनेस में बना सकते हैं। दोस्तों आपने रोड साइड में ऐसे सॉफ्ट टॉयज की दुकानें देखी होगी तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये सॉफ्ट टॉयज शहरों से लाते होंगे, शहरों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते में ये प्रोडक्ट बन जाते हैं और जब हम बेचते हैं तो 4 से 5 गुना तक महंगा हम इसको आराम से बेच सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है और लोग इसे कर भी रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्रोडक्ट्स को बेचकर आपको प्रॉफिट भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों इन प्रोडक्ट्स का सीजन अभी शुरू होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है और वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है। इस टाइम पे ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं और साथ ही साथ थ्रू आउट द ईयर भी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है बच्चे लोग को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उनको पसंद आते हैं, तो इनके जो मेन बायर है वो है बच्चे लोग, उसके बाद में टीनेजर्स, जितने भी टीनेज लोग होते हैं वो ये प्रोडक्ट परचेस करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खास करके अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोग पेट्स पालते हैं तो पेट्स सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं, तो लोग अपने पेट्स के लिए भी सॉफ्ट टॉय परचेस करते हैं। इसके अलावा सभी एजेस के लोग इन सॉफ्ट टॉय को परचेस करके लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट्स के बायर की कमी कभी नहीं होने वाली, ये प्रोडक्ट्स हमेशा सदाबहार बने रहेंगे और हमेशा ये बिकने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और 4-5 हजार रुपए की पूंजी लगाकर इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो आप कहां कहां पर इसको बेच पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस तरीके के प्रोडक्ट कहां बिकते हैं। स्पेशली इस टाइप के प्रोडक्ट मेले में बिकते हैं, गार्डन के पास में बिकते हैं, मॉल्स के पास में बिकते हैं, जहां पे भी क्राउडेड एरिया है वहां पर ये प्रोडक्ट आसानी से बेचे जा सकते हैं। दोस्तों इन प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं और इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप बहुत ही कम अमाउंट में आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा खासा मार्जिन होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि एक छोटे से छोटा टेडी बियर की भी आप मैन्युफैक्चरिंग 20 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में कर सकते हैं, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, और उसको आसानी से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में बेच सकते हैं। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े टेडी बियर्स की जिनकी हाइट 3 फीट 4 फीट की होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आपका 200 से लेकर 400 रुपया लगता है, लेकिन आप उनको आसानी से 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में बेच सकते हैं। ये प्राइजेस आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों इन प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। जैसे अभी कोई कार्टून का ट्रेंड चल रहा है तो बच्चे लोग को वो कार्टून बहुत पसंद आता, तो उस टाइप के आप सॉफ्ट टॉय बनाएंगे तो वो जल्दी से बिकेंगे। जिस तरीके से कपड़ों में अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, उसी तरीके से इन सॉफ्ट टॉयज में भी अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने होंगे। जैसे कि बच्चे लोग को कार्टून बहुत ज्यादा पसंद होते हैं तो आप कार्टून वाले सॉफ्ट टॉय बनाएंगे तो वो जल्दी से बिकेंगे। उसी तरीके से इमोजीज, फूड्स के भी आप सॉफ्ट टॉय बना सकते हैं, अलग अलग टाइप और शेप के आप पिलोस भी बना सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है हार्ट पिलो, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपकी जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट होनी चाहिए, आपकी फिनिशिंग बेस्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो वैरायटी वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो अपने आप बिकेंगे। अगर दोस्तों मैं ऑनलाइन की बात करूं तो
कुछ सेलर खाली एक प्रोडक्ट बनाकर लाखों रुपए छाप रहे हैं महीने का। लेकिन दोस्तों आप बात करते हैं स्टार्टिंग की, जब हम 4 से 5 हजार रुपए में स्टार्ट करने वाले हैं तो इतना बजट नहीं होगा कि हम ऑनलाइन स्टार्ट कर सके। अब ऑनलाइन कब आपको स्टार्ट करना ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप 4 से 5 हजार रुपए में स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको ऐसे लोगों को जोड़ना है, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है जो ये प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाए। दोस्तों मैंने जिन 3 चीजों के बारे में आपको बताया, जैसे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फिनिशिंग और ट्रेंडिंग टॉयज की, अगर आप इस चीजों का ध्यान रखते हैं और आप जिनको भी अपने साथ में जोड़ते हैं, जिन लोगों को भी आप अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो लोग भी आराम से इन प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और अच्छी खासी अपनी कमाई कर पाएंगे। अगर वो लोग अच्छी कमाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी जबरदस्त कमाएंगे। दोस्तों अगर आपने एक बार ये बिजनेस सेट कर लिया तो आपको फ्यूचर में दूसरे बिजनेस की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस ही आपको बहुत कुछ कमा के दे देगा। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सॉफ्ट टॉय बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रुई, कपड़ा, इसके अलावा जो आईज, नोज और भी बहुत सारे स्टिचिंग के लिए जो मटेरियल लगने वाला, ग्लू वगैरह लगने वाला है, ये आप ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन परचेस करने से पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके इनकी रेट्स का अंदाजा लगा लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या रेट में मिल रहा है। फिर आप ऑफलाइन जाकर आपके एरिया में जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं वहां पर जाकर कंपैरिजन कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में रॉ मटेरियल सस्ता मिलता तो आप वहां पर परचेस कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन में सस्ता मटेरियल मिल रहा तो आप वहां पर भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर क्लिक करके आपको रॉ मटेरियल के प्राइस का अंदाजा हो जाएगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी बिजनेस स्टार्ट करने में। तो एक बार आपको प्राइस का अंदाजा हो गया तो आप ये ऑफलाइन मार्केट में भी जाकर ये सारे प्रोडक्ट एक साथ में परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन रॉ मटेरियल है वो है रुई, कपड़ा, नोज, आईज और ग्लू वगैरह और भी कुछ स्टिचिंग के जो प्रोडक्ट होंगे वो सब आपको ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों पहली बार में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 हजार रुपए का ही मटेरियल परचेस करना है। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में आपको प्रोडक्ट तैयार करना है और फिर उसको सेल करना है। दोस्तों एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद में आपको खुद को सेल करना चाहिए, जिससे आपको ओवरऑल प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो जाएगा, साथ ही साथ मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या कॉस्टिंग पड़ती है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, इन सारी चीजों का डिटेल में आपको पता चल जाएगा। एक बार आपको ये सारी चीजें पता चल गई फिर आप दूसरे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ सकते हैं और फिर उनके थ्रू भी बिकवा सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों आप 3 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। सबसे पहला आप खुद सीख सकते हैं कि कैसे इन सॉफ्ट टॉय की आउटर स्किन की सिलाई होती है, वो आप यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दी हुई है, वहां पर जाकर आप सीख सकते हैं कि सॉफ्ट टॉय कैसे बनाए जाते हैं। दूसरा आप किसी टेलर के पास में जाकर उनको ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि इस तरीके की आपको प्रोडक्ट की आउटर स्किन बनानी है, तो आप उन टेलर से पर के हिसाब से रेट फिक्स कर सकते हैं, उनसे कपड़ा कटवाकर आउटर स्किन तैयार कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप रेडीमेड आउटर स्किन लेकर आ जाए, जो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके की आउटर स्किन ऑलरेडी मिलती है, बनी बनाई मिलती है, सिर्फ आपको उसमें रुई भरनी है और लास्ट में स्टिचिंग करनी है और प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा, फिर आप उसे बेच सकते हैं। इनिशियली आप बिजनेस को समझने के लिए ये कर सकता है कि जो बनी बनाई स्किन होती है उसको आप परचेस करके लाएं, उसमें रुई डालें और जो आसपास की महिलाएं होती है उनसे स्टिचिंग करवा दें, या फिर इनिशियली आप खुद ही स्टिचिंग करें, स्टिचिंग करने के बाद में आप उन को बेचे। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुद सीख लेते हैं स्टिचिंग करना, तो आप अपने आसपास की जो औरतें हैं उनको भी सिखा सकते हैं, फिर उनको इन हाउस हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए कपड़े को काटेगी, स्टिचिंग करेंगी, फिर उसके बाद में आपको सिर्फ स्किन के अंदर रुई डालनी है, आईस और नोज लगाना है और प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी टेलर से भी बात कर सकते हैं, पर पीस के हिसाब से आप एक रेट डिसाइड कर सकते हैं। आप उनको ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में आप उनको बहुत सारे ऑर्डर देने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप रेट डिसाइड कर पाएंगे। इससे ये होगा कि आप आसपास के जो लोग हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, उनको आप रोजगार प्रोवाइड कर पाएंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ दिन आप स्किन डायरेक्टली खरीद के लाएं और उनको बनाकर बेचे, लेकिन जैसे ही आपको ये बिजनेस समझ में आने लग जाए तो आप इनहाउस ही पूरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि आप खुद बनाना सीखिए कि टेडी बियर कैसे बनाए जाते हैं, सॉफ्ट टॉय कैसे बनाए जाते हैं, पिलोस कैसे बनाए जाते हैं। एक बार आपने सीख लिया और आपके आसपास की महिलाओं को आपने सिखा दिया, वो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कपड़े को काटना है, उसकी सिलाई करनी है, उसके अंदर रुई भरनी है, फिर उसको आईज और नोज लगवाना है और आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। दोस्तों सब चीजों के लिए आपको स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगवानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको 4 से 5 हजार रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इनिशियली खुद ही सीख कर बेचना होगा, उसके बाद में आप धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाएंगे। बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बट एक बार आपका बिजनेस सेट हो गया तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और आप इस बिजनेस से बहुत अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। और दोस्तों आपने एक बार अच्छे से काम समझ लिया और आपने बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर आप ऑनलाइन जाकर भी इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए जैसे कि आपको
अमेजोन पे बेचना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है या फिर मीशो पे बेचना है, तो आपके पास में जीएसटी नंबर होना जरूरी है और अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट जीएसटी आप ऑनलाइन सेल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क नहीं करवाते हैं तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट हो जाएगा और कोई भी आपके अंदर मैपिंग करके थोड़े कम प्राइस में बेच पाएगा, तो ट्रेडमार्क करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता तो आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ता तो आप और भी तरीकों से कमा सकते हैं, आप इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके भी कमा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और इंडिया सॉफ्ट टॉयज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी जॉब वर्क भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे ब्रांड के लिए बनाकर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत आगे की बातें हो गई, ये सब भी आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको स्टार्ट करना है, तो आप पहले रॉ मटेरियल लाइए, खुद से सीखिए, बनाइए, फिर आपके आसपास के लोगों को सिखाइए, उनसे प्रोडक्ट बनवाइए, फिर उन्हीं लोगों के हेल्प से इन प्रोडक्ट को बिकवाइए, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो इन फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल का जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में जो लिंक दिया उसको आपको क्लिक करना है और उनकी प्रोडक्ट की रेट को जानना है, फिर उसके बाद में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही आप ऑनलाइन ना लो, लेकिन एक बार इंक्वायरी के लिए आप लिंक को क्लिक कर नॉलेज ले लीजिए। दोस्तों ये जो बिजनेस है सालों साल चलने वाला बिजनेस है, एवर ग्रीन बिजनेस है, हमेशा ही इसकी डिमांड रहेगी। एक बार आपने ये बिजनेस सेट कर लिया तो आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इन केस इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।